खबरों के लिए बने रहिए पीपीसी न्यूज चैनल के साथ। चंदौली जिले में पूर्वांचल की सबसे बड़ी पेपर मिल में लगी आग। मुगलसराय कोतवाली थाना क्षेत्र के रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया फेज वन में गंगा पल्सर पेपर मिल में आग लग गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत यह रही कि आग लगते ही कर्मचारी मिल के बाहर आ गए, जिससे किसी भी कर्मचारी को कोई क्षति नहीं पहुंची। मौके पर पहुंची चंदौली और वाराणसी की दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग ने बुरी तरह फैक्ट्री में रखे पेपर बंडल को अपने आगोश में ले लिया, जिसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आग मिल मालिक द्वारा सूचना दी गई थी कि मेरी फैक्ट्री में जो है भीषण आग लग गई, मतलब उसी समय इनके द्वारा अवगत कराया गया था कि भीषण आग लग गई है। मौके पर मैं स्वयं दो गाड़ी लेकर प्रथम चरण में आया था। आग की स्थिति को देखते हुए बनारस को भी सूचना थी, बनारस से भी गाड़ी आ गई है। इनके यहाँ फायर हाइड्रेंट लगे थे, इनके कर्मचारियों से एक साइड में बुझवाना शुरू किया गया, दो साइड से अपने बुझाना शुरू किया गया। इनका जो क्लोरीन का स्टोरेज है, इनका मशीन रूम है, इनका जो डीजल सेट रखा हुआ था, इनका ऑक्सीजन सिलेंडर और पूरा ऑफिस की बिल्डिंग बचा ली गई। केवल गोदाम में जो पेपर बचे, पेपर में आग लगी थी। अब स्वामी द्वारा तो बताया गया शॉर्ट सर्किट, किंतु आग बुझ जाने के बजाय इंक्वायरी की जाएगी, जांच की जाएगी, जो सही तथ्य होगा आपको अवगत कराया जाएगा। थी दो मशीन है, 6:30 बजे करीब शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जो चलाने वाले अंदर कार्यरत कर्मचारी हैं, बुझाने का काफ़ी प्रयास किया, कंट्रोल नहीं आया क्योंकि हाई इनफ्लेमेबल। हमने तुरंत फायर ब्रिगेड के जो यहाँ ऑफिसर हैं मिस्टर सुभाष सिंह को रिंग किया। 20 मिनट में वो यहाँ आ गए और हम भी 7:15 बजे पहुँच गए, लेकिन आग ने विकराल रूप लिया था। प्रयास पूरा किया गया, फायर ब्रिगेड काफ़ी गाड़ी आई और जो भी चंदौली से पीपीसी रिपोर्टर आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट वो पूरा मिल रहा है हमारी पूरी।